ओम सर्वमंगल मांगलिये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, ज्योतिष रतन लाइव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके साथ 2019 वर्ष के वार्षिक राशिफल की चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि हम आप कर्क राशि के जातकों का राशिफल 2019 का बताएं, मैं बताना चाहूँगा कि हम राशिफल के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताया करते हैं। अगर आप पूरे वर्ष उस उपाय को करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। आप राशिफल को ध्यान से देखिएगा और जो उपाय हैं उनको भी देखिएगा और उसको जीवन में कीजिएगा ताकि आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए तो मित्रों चर्चा करते हैं आपके वार्षिक राशिफल 2019 के लिए कर्क राशि के जातकों के साथ। तो मित्रों, वर्ष के आरंभ में और 6 मार्च तक इस राशि पर राहु का संचार रहने से आपके जो काम बन रहे थे उनमें थोड़ी सी विघ्न बाधाएँ पैदा हो सकती हैं। माह जनवरी से और माह मार्च के बीच पूर्वार्ध में यानी कि शुरुआत में कार्य एवं व्यवसाय में भाग्यवश उन्नति एवं प्रगति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, लेकिन परिवार में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। माह फरवरी में राहु का संचार एवं मंगल की जो नीच दृष्टि है उसके होने से आपके कुछ बनते हुए कार्यों में परेशानियाँ और व्यर्थ की भागदौड़ का आपको सामना करना पड़ सकता है और आपके व्यवसाय के जो क्षेत्र में आपको कुछ नवीन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। माह मार्च में जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सुधार अवश्य दिखाई देगा एवं भाग्यवश सिद्धि के योग बनेंगे, लेकिन पारिवारिक माहौल में कुछ सुखद परिवर्तन के साथ साथ माता के स्वास्थ्य में कमी एवं व्यथा यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। माह अप्रैल से मित्रों जून तक के बीच में आपके आय के जो साधन हैं उसके योग साधारणतया ठीक रहने वाले हैं, बने रहेंगे और थोड़ा बहुत माता पिता को स्वास्थ्य में तकलीफ कष्ट हो सकता है आपके, और भाई बंधुओं से अकारण कुछ विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है परिवार में, और इसके अलावा फिजूल खर्ची भी कुछ हो सकती है आपके द्वारा, और कुछ इन सब चीज़ों के कारण आपको मानसिक तनाव भी रह सकता है, क्योंकि जो गुरु की जो विशेष उच्च दृष्टि होने से आपको विशेष परिश्रम एवं संघर्ष के कारण आपको व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यात्रा आपकी बहुत ही सुखद रहेगी जो भी आप यात्रा करेंगे इस अवधि में, लेकिन थोड़ा आपने वायु विकार संबंधित विकार ना हो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। माह जुलाई से सितंबर माह के बीच जुलाई माह में मंगल बुध की जो सप्तम दृष्टि है उसके कारण थोड़ा शारीरिक कष्ट, कुछ मानसिक तनाव और क्रोध के कारण आपके भाई बंधुओं के साथ मतभेद रह सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें। और माह अगस्त में आपकी कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ भी संपर्क स्थापित होने की पूर्ण संभावना है। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और सुख साधनों में भी वृद्धि होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, ये यात्राएँ आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाली हैं। और माह सितंबर में मित्रों धनागम के जो साधन हैं वो अच्छे बनेंगे, रुका हुआ जो कार्य है वो भी आपका बनेगा, जो भी आपके पीछे पेंडिंग कार्य थे वो आप उनको पूरा कर पाएंगे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है और थोड़ी भागदौड़ आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इस अवधि में थोड़ा मन इन्हीं कारणों के साथ अशांत रह सकता है। माह अक्टूबर से माह दिसंबर के बीच मित्रों विभिन्न साधनों के द्वारा धन लाभ तो होगा, परंतु शनि और मंगल की जो दृष्टि संबंध होने से
आपके कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। माह नवंबर में कारोबार में आपको उतार चढ़ाव और संघर्ष की अधिकता रह सकती है। माता पिता के साथ भी कुछ मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं एवं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद तथा कानूनी परेशानियों के भी योग इस अवधि में रहेंगे। माह दिसंबर में परिवार में माहौल पहले से कहीं अधिक बेहतर होगा। शुभ मंगल कार्य भी आपके द्वारा संपन्न होंगे और किसी नवीन कार्य की योजना भी आप बनाएंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे, परंतु सरकारी क्षेत्रों में थोड़ा विघ्न आ सकता है और इस समय में आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके कहीं कोई चोट आदि ना लगे। हो सकता है कि कहीं चोट वगैरह लग सकती है, तो आप थोड़ा सा इस बात को लेकर के सचेत रहें। अब आपको बताएंगे क्या उपाय करने हैं आपको, जिससे कि पूरे वर्ष आपको इसका लाभ प्राप्त हो। तो मित्रों, संतान की उन्नति के लिए तो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें, और दूसरा उपाय है मौनी अमावस्या को तीर्थ स्नान करके कुछ दान अवश्य करें। तो ये थे आपके कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय, जिनसे कि आपको पूरे वर्ष लाभ प्राप्त होने वाला है। मित्रों, इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप ज्योतिष रतन लाइव चैनल को लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे आगामी नवीन कार्यक्रम हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उनका समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। मित्रों, इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कर्क राशि के जो जातक हैं और उनके जो परिवारजन हैं, उनके लिए वर्ष 2019 शुभ हो, मंगलमय हो। मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।